अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सोमवार सुबह इंटरसिटी ट्रेन से भागलपुर परिसदन पहुंचे। उन्होंने डीआईजी और एसएसपी समेत सभी अधिकारियों को सुबह 6 बजे आराम करने की बात कहकर वापस कर दिया, लेकिन ट्रैक सूट और मफलर डालकर वे पुलिस केंद्र के लिए निकल पड़े। पुलिस लाइन घूमने के दौरान किसी भी पुलिस कर्मी ने ना तो उन्हें पहचाना और ना ही टोका। बाहर निकलने पर देखा कि 2 महिला पुलिस कर्मी ऑटोमेटिक राइफल लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, गोली चलाने आता है? तो महिला पुलिस कर्मी अनुराधा कुमारी ने कहा कि आता है। डीजीपी ने पूछा, कोई राइफल छीनकर भाग जाएगा तो क्या करो? जवाब मिला, अभी 45 गोली खाली करके आए हैं। डीजीपी के लगातार सवाल से दोनों महिला पुलिसकर्मी झल्ला गई और कहा, हटते हैं कि नहीं? लेकिन डीजीपी ने फिर कहा, तुमको गोली चलाने नहीं आता है। इस बात पर दोनों पोजीशन में आ गई और कहा, हटिए नहीं तो टनका देंगे। डीजीपी ने कहा, हमको पहचानती हो तो? एक महिला जवान ने कहा, कोई भी हो जल्दी हटिए, और पोजीशन ले लिया। तब जाकर डीजीपी ने अपना परिचय दिया। इतना सुनकर दोनों ने सॉरी बोला और सर ठोका। एक ने कहा, हाँ सर, आपको टीवी पर देखा है। दोनों को धन्यवाद देकर डीजीपी आगे बढ़ गए और महिला पुलिस कर्मी परेड के लिए टेनिस कंपाउंड चली गई। डीजीपी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महिला पुलिस में आत्मबल बढ़ा है। सुबह का वाक्या बहुत अच्छा लगा।